उड़ते हुए पानी की नदी का रहस्य। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी नदी का पानी उबलता हुआ देखा है? अगर नहीं देखते तो इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे इस रहस्यमय नदी के बारे में, जिसका पानी हमेशा उबलता रहता है। नमस्कार दोस्तों, वंडर फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, इस नदी को द वाइलिंग रिवर के नाम से भी जाना जाता है। यह रहस्यमय नदी अपने आप में कई रहस्य छुपाई हुई है और वैज्ञानिक इन रहस्यों को सुलझाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। उबलते हुए पानी की नदी कहाँ है? इस नदी का पानी क्यों उबलता है? क्या ज्वालामुखी की वजह से इस नदी का पानी उबलता है? दोस्तों, इन सभी रहस्यमय सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहना इस वीडियो के साथ। उबलते हुए पानी की नदी का रहस्य। दोस्तों, यह दुनिया अजीबोगरीब रहस्यों से भरी पड़ी है, जहां कब क्या देखने को मिलेगा बता पाना मुश्किल है। इस नदी के बारे में पता लगने से पहले किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि उबलते पानी की नदी भी हो सकती है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इस नदी का पानी सिर्फ गर्मी के मौसम में ही उबलता रहता है, बल्कि इस नदी का पानी हर मौसम में अत्यंत गर्म होता है और उबलता रहता है। दोस्तों, इस नदी को अमेज़न की उबलती नदी भी कहा जाता है, क्योंकि यह नदी पेरू से जुड़े हुए अमेज़न फॉरेस्ट में स्थित है। अमेज़न एक ऐसा जंगल है जिसे दुनिया का सबसे बड़ा जंगल कहा जाता है, क्योंकि यह अरबों एकड़ में फैला हुआ है। दोस्तों, यह जंगल भी काफ़ी रहस्यों से भरा हुआ है, जिसमें से तो उबलती नदी और इसके रहस्यों को और भी बढ़ा रही है। इस नदी का पानी 24 घंटे उबलता रहता है, यही वजह है कि इसे दुनिया का इकलौता थर्मल रिवर भी माना जा रहा है। पेरू की इस रहस्यमय नदी की खोज भूवैज्ञानिक आंद्रे रोजो ने साल 2011 में की। अमेज़न फॉरेस्ट का एक हिस्सा पेरू से लगा हुआ है। इसी पेरू में जय रहस्यमय नदी द वाइलिंग रिवर स्थित है। पेरू दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है। अगर अमेज़न फॉरेस्ट की बात करें तो पेरू में इसका 13% हिस्सा आता है। इसी में द वाइलिंग रिवर स्थित है। इसे एक और नाम सन्या टिमिस्का के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी की लंबाई 6.4 किलोमीटर है और चढ़ाई 82 फीट और गहराई 20 फीट है। इस नदी का पानी बेहद गर्म होता है, जिसमें आप चाय बना सकते हैं और चावल भी पका सकते हैं। दोस्तों, इस नदी के पानी का तापमान सभी जगह पर अलग अलग होता है। कुछ जगह पर तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है और कहीं 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। दोस्तों, भूवैज्ञानी आंद्रे रोजो के मुताबिक अगर कोई इंसान या जीव इस नदी के उबलते पानी में गिर जाता है तो उसकी मौत भी हो सकती है। उन्होंने खुद छोटे छोटे जीवों को पानी में गिरते हुए देखा है, जो तुरंत मर जाते हैं। दोस्तों, नदी का पानी ऐसा दिखता है जैसे पानी को उबालने के लिए चूल्हे पर रखा गया है, और इस नदी में और इसके आसपास गर्म पानी की उल्टी बाफ दिखाई देती है। कुछ जानकार लोगों का कहना है कि इस नदी का पानी ठंड के मौसम में भी उबलता रहता है और ठंड के मौसम में भी आसानी से चावल पकाए जा सकते हैं इस नदी के पानी से। क्यों उबलता है इस नदी का पानी? भूवैज्ञानी आंद्रे रोजो के मुताबिक ऐसी नदी की कल्पना ज्वालामुखी के नज़दीक के स्थानों पर की जा सकती है, जबकि अमेज़न बेसिन की ये नदी एक सक्रिय ज्वालामुखी से 400 मील की दूरी पर स्थित है। इसलिए कहा जाता है कि ज्वालामुखी की वजह से नदी का पानी नहीं उबल रहा। दोस्तों, इसलिए इसे कुदरत का करिश्मा ही कहा जा सकता है। इसका ज्वालामुखी से कोई संबंध नहीं है। फिलहाल इस नदी को समझने के लिए कई तरह के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, एंड अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना।